हाई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रेंडिंग फूडी जूही। सर्दियों ने दस्तक दे दी है और फ्रेश मेथी का सीजन आ चुका है। आजकल बहुत अच्छी मेथी मिल रही है मार्केट में, तो ये डिश बनानी तो बनती है। आज हम बनाएंगे मेथी मलाई मटर, बिल्कुल होम स्टाइल, यमी, टेस्टी एंड क्विक एंड ईजी। सो लेट्स बिगिन। इस बहुत ही मज़ेदार सब्जी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बंच मेथी चाहिए। बहुत ही फ्रेश मेथी है जिसके पत्तों को मैंने छांट के छोटा छोटा काट लिया है। और सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है इसका मलाई, या आप बाजार की क्रीम भी ले सकते हैं, या मैंने 3/4 बोल ली है। और मटर, मटर एकदम फ्रेश वाली हरी मटर मैंने ली है, वो भी 3/4 बोल। इसको हम पकाएंगे 2 टेबलस्पून घी में। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 टमाटर की प्यूरी। और यहाँ पे मैंने लिया है हरा धनिया फॉर गार्निश। और इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये है हमारे मसालों का पिटारा। यहाँ पे मैंने लिए हैं घर के कुछ बेसिक मसाले और कुछ खड़े मसाले। डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी डाल रही हूँ और इसमें 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ और कुछ खड़े मसाले, 1 चक्री फूल, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची और फिर मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अब हम इन प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से पकाने के बाद हमारे, आप देख सकते हैं, अच्छे से कुक हो गया है और प्याज भी अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून ही लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून भुना जीरा पाउडर। और मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। सब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें जस्ट डैश ऑफ वाटर डाल रही हूँ, इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। जब हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे और हमारा घी सेपरेट हो जाएगा, तब मैं इसमें डालूँगी 3 टमाटर की प्यूरी। प्यूरी को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ इसको कुक करने के लिए। और इसको भी मैं लिड लगा के 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। 7 से 8 मिनट बाद आप देखिए थोड़ा सा घी और सेपरेट हो गया, अच्छे से मसाला कुक हो गया है। अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, मटर को भी हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब आप देखिए मटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें कटी हुई मेथी डालूँगी। मेथी डालने के बाद हमें इसको बिना कवर करे कुक करना है। पहले मैं मसाले के साथ मेथी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको बिना ढक्कन लगाए, बिना लिड लगाए हम इसको पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। आप इसको बीच बीच में स्टर करते रहिए और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। दस से 12 मिनट बाद आप देख सकते हैं मेथी अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ 3/4 बोल। आप यहाँ पे घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं या फिर बाजार की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। बस क्रीम या मलाई डालने के बाद हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बहुत अच्छा अरोमा आ रहा था। अब हम बस इस पे लास्ट में एक तड़का लगाएंगे। फाइनल तड़के के लिए मैं इसमें ले रही हूँ 1/2 टीस्पून घी, उसमें मैंने डाली है 1 सूखी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। चलिए अपनी सब्जी को सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए सबसे पहले मैंने सब्जी को बोल में निकाल लिया है, इसके ऊपर मैं अपना बना हुआ फ्रेश तड़का डाल रही हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ एंड जस्ट अ डैश ऑफ क्रीम। हमारी सब्जी एकदम रेडी टू सर्व है। सर्व विद लॉट्स ऑफ लव। चलिए इसे टेस्ट करते हैं।
ओ वाओ, एक बार ट्राई करनी तो बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड झटपट रेसिपीज, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेंडिंग फूडी जूही, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।